जय हिंद दोस्तों, मैं इनकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो है बीसीसी का काउंसलिंग का डेट आ चुका है, तो यह उसी का जो है पीडीएफ फॉर्म है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इन्फॉर्मेशन बीसीसी बोर्ड के द्वारा बताई गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरा करना है, ठीक है। और काउंसलिंग का डेट कब से कब तक है, और जब कॉलेज में एडमिशन होता है तो कॉलेज में एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पर मांगे जाते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता चल सके। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यह जो आप देख रहे हैं, यह जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो 17/10 यानी कि 17 अक्टूबर 2024 का है, ठीक है, जो कि बीसीसी बोर्ड पटना के द्वारा जो है निकाला गया है। इसमें बताया गया है कि बीसीसी के थ्रू कृषि कॉलेज में, ठीक है, जितने भी सीटों पर एडमिशन होता है उसमें 50% सीटों पर जो है जो नॉन एग्रीकल्चर यानी कि जो पीसीबी है या पीसीएम है या पीसीएमबी है, ठीक है, 50% सीटों पर जो है नॉन एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट का एडमिशन होता है, और 50% सीटों पर जो है जिनका एग्रीकल्चर यानी कि चाहे वो सीबीए हो, केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्रीकल्चर हो, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर हो, मैथ बायोलॉजी एग्रीकल्चर हो, या मैथ केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, ठीक है, यानी कि अगर आपका एग्रीकल्चर है तो 50% सीटों पर एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट का एडमिशन होता है। टोटल जो है 85 सीट होता है, ठीक है, जिसमें से जो है 43 जो है वो पीसीबी पीसीएमबी पीसीएम के लिए होता है, और 42 सीट जो है वो एग्रीकल्चर वालों के लिए होता है, ठीक है। इसमें इतना ही बताया गया। आगे हम लोग बात करते हैं आगे और क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया। इसमें पूरा जो है वही बात बताया गया, ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या कि चॉइस फिलिंग, ठीक है, यानी कि आपका जो रैंक है आप अपने रैंक के अनुसार किस कॉलेज को चूज करते हैं, ठीक है। चॉइस फिलिंग जो होता है वो जो है, ठीक है, जो आपका 2 अगस्त को जो रैंक कार्ड आया है उसके अनुसार आप लोगों को अपना जो है चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। और चॉइस फिलिंग कहाँ से होगा, तो वो चॉइस फिलिंग जो है बीसीसी का जो ऑफिशियल पोर्टल है ऑनलाइन, ठीक है, क्या है, bccboard.bihar.government.in, ठीक है, इस पर आप लोग को जाके जो है आप लोग को अपना जो है चॉइस फिलिंग कर देना है, ठीक है। चॉइस फिलिंग जब भी करना है तो आपको अपने रैंक के अनुसार करना है ताकि कोई ना कोई कॉलेज मिल सके, ठीक है। अगर आप लोग को कोई दिक्कत है तो आप लोग हमसे भी जो है चॉइस फिलिंग करवा सकते हैं, उसका मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, उसके लिए क्या प्रोसेस है, ठीक है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब भी स्टूडेंट चॉइस फिलिंग करते हैं, ठीक है, तो जो भी आप लोग मोबाइल नंबर, ठीक है, या जो भी उसका पासवर्ड होगा, जो जैसे कि जब बीसीसी फॉर्म भराता है तो उसमें मोबाइल नंबर पासवर्ड कुछ मांगा जाता है, ठीक है, जो आप लोग अपने से बनाते हैं, और या है क्या कि डेट ऑफ बर्थ से भी खुलता है, ठीक है, और जो उसका पासवर्ड होता है वो आपके ईमेल आईडी पर होता है। तो वो जो भी आप लोग अपना ईमेल आईडी दिए होंगे वो ईमेल आईडी चालू होना चाहिए, तभी आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग का, ठीक है, और उसी डेट तक आप लोग इसमें कुछ एडिट भी कर सकते हैं। मान लीजिए क्या कि अगर आज से स्टार्ट है तो आज से 22 तारीख तक है, तो 22 तारीख के अंदर ही उसमें कुछ हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में क्या होता है, चॉइस लॉक होता है, ठीक है, कि आप अपना ये चॉइस को लॉक कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो भी आपका रैंक होगा उसके अनुसार बीसीसी बोर्ड की तरफ से आपको कॉलेज अलॉट होता है कि आपको इतना रैंक है, आपको इतना ये सब कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, वही यहाँ पर वही लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन चॉइस लॉकिंग एंड अनलॉकिंग की प्रक्रिया ओटीपी ऑथेंटिकेशन से माध्यम से की जाएगी, ठीक है। जब भी आप लोग चॉइस लॉकिंग कीजिएगा वहाँ पर मोबाइल पर ओटीपी आता है, जिससे अभ्यर्थी के पंजीकृत और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा, ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आता है। और यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी कंडीशन में जो आपका जो पंजीकृत मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है वह किसी भी कंडीशन में बदला नहीं जा सकता, ठीक है। आपका जो पहले आप दे चुके हैं उसी पर सब काम होगा, ठीक है। अगर आप चाहिएगा अभी बदल लें तो वो अभी संभव नहीं है। उसके बाद बताया गया कि ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया 1 टाइम है, ठीक है, यानी कि जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं तो 1 टाइम, मतलब कि अगर आप अभी नहीं करते तो फिर बाद में आपको जो है किसी भी राउंड में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर कोई अभ्यर्थी राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं अथवा रजिस्ट्रेशन कर अपना चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं, वैसे अभ्यर्थियों को राउंड 2 का ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु दोबारा रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। मतलब जब अभी जो रजिस्ट्रेशन का चांस है, अगर आप लोग अभी नहीं करते हैं तो आप लोग को
जो सेकेंड राउंड होता है, थर्ड राउंड होता है, उसमें भी आप लोगों को कोई मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अंतिम रूप से भरे गए च्वाइस की लिस्ट सीट अलॉटमेंट से पूर्व अभ्यर्थी के पंजीकृत ईमेल आईडी पर ईमेल के माध्यम से, मतलब कि जो भी आप च्वाइस लॉक किए हैं, ठीक है, सीट अलॉटमेंट से पहले आप लोग के ईमेल आईडी आ जाएगा, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने निर्धारित अंतिम तिथि पर च्वाइस फिलिंग किया है, मेधा सह विकल्प के आधार पर सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थी अपना सीट आवंटन रिजल्ट देखने हेतु निर्धारित तिथि से अपने अकाउंट में लॉगिन कर, उसके बाद क्या है क्या कि जो भी इसमें डेट बताया गया है, ठीक है, उस डेट पर जाके आप लोग फिर से अपने जो है क्या कि जो आपका ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, उसको लॉगिन करके आप अपने अकाउंट को खोल कर आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज अलाउट हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसमें एक अपग्रेडेशन का एक यहाँ पर ऑप्शन होता है, ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अपग्रेडेशन क्या होता है कि जैसे कि जब हम च्वाइस फिलिंग करते हैं तो वहाँ पर एक अपग्रेडेशन का ऑप्शन आता है, क्या कि अगर आपको इसे अगर बेहतर अगर कॉलेज अगर वहाँ पर सीट अगर बचा होगा तो आप लोग उस कॉलेज में भी जा सकते हैं। अगर आप लोग करते हैं जस्ट मान लेते हैं क्या किसी का जो है पूर्णिया में एडमिशन हो गया, ठीक है, तो अगर क्या होता है क्या कि एडमिशन होने के बाद भी कुछ ना कुछ सीट जो है जो ऊपर कॉलेज होते हैं वहाँ पर बचे रहते हैं, तो अगर आप अपग्रेड करते हैं तो आपको उस कॉलेज में भी एडमिशन लेने का चांस मिलेगा, आपका पूर्णिया में सीट जो है सिक्योर रहेगा, साथ ही साथ आपको जो है जैसे कि अगर आप उससे ऊपर सवोर भरते हैं तो आपको जो सबौर में आने का भी चांस मिल सकता है। अगर आप अपग्रेडेशन पर नहीं कर देते हैं यानी कि नो क्लिक करते हैं तो आपका जिस कॉलेज में एक बार एडमिशन हो गया आपको उसी कॉलेज में जो है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो सबसे पहला है कि सीट मैट्रिक्स पोस्टिंग ऑन वेबसाइट, ठीक है, सीट मैट्रिक्स जो है वो 17/10/2024 को आ जाता है कि किस किस कॉलेज में कितना कितना सीट है पीसीबी के लिए पीसीएमबी के लिए वो सब, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम च्वाइस फिलिंग, ठीक है, फॉर सीट अलॉटमेंट, ठीक है, च्वाइस फिलिंग का जो डेट है, ठीक है, वो 18 यानी कि आज से 18 अक्टूबर 2024 स्टार्ट हो जाएगा, कब तक चलेगा, 22 अक्टूबर तक, ठीक है, 22 अक्टूबर तक ही आप लोग इसमें कुछ एडिट कर सकते हैं और उसके बाद आपको च्वाइस लॉक करना होता है, अगर आप च्वाइस लॉक नहीं करते तो वह खुद पर खुद च्वाइस आपका लॉक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो भी आप च्वाइस फिलिंग करते हैं तो उसका जो है सीट अलॉटमेंट जो है उसका सीट अलॉटमेंट जो है रिजल्ट कब आ जाएगा, तो राउंड फर्स्ट प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट, ठीक है। जो भी आपने कॉलेज को चूज किया तो आपको जो बीसीसी बोर्ड की तरफ से जो आपका रैंक है उसके अनुसार आपका कॉलेज जो है 25 अक्टूबर 2024 को मिल जाएगा, ठीक है। 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आपको जो है सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं वहाँ आप लोगों को यह जो है मांगा जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ में जो च्वाइस फिलिंग होता है वह भी आप लोगों को लगेगा। तो जो भी आप पीडीएफ है सबका आप लोगों के पास 3-3 फोटोकॉपी होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं क्या कि 26 से लेकर 28 तक, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन, ठीक है, यानी कि आपका जो कॉलेज में एडमिशन होगा वो 26 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक होगा, ठीक है। इस डेट को आप लोगों को ध्यान रखना है कि 26 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर किसके लिए बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं CBA PCA MCA MBA यानी कि जिनका भी एग्रीकल्चर है, ठीक, उसके लिए, उनके लिए क्या है कि 26 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर यानी कि 26, 27, 28 तीन दिन का टाइम है, 3 दिन के अंदर ही आप लोगों को कॉलेज में आके एडमिशन ले लेना है, ठीक है। और जब भी आप कॉलेज में आते हैं तो आपको जितने भी डॉक्यूमेंट जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होते हैं उन सभी डॉक्यूमेंट को लेकर आना है। अगर आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में कमी होगी तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोशिश करना है कि सारा डॉक्यूमेंट अपने तरफ से लेकर आएँ। उसके बाद बात करते हैं कि जो सेकेंड राउंड जो होगा, ठीक है, जो सेकेंड राउंड होगा उसका जो है क्या कि सेकेंड राउंड का जो होगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कब आएगा, तो वो आएगा 5 नवंबर, ठीक है, यानी कि छठ पूजा से पहले, ठीक है, 5 नवंबर 2024 से लेके 13 नवंबर 2024 के बीच जो है वो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और कॉलेज में आप लोग एडमिशन क्लिक करवाना है सेकेंड राउंड में तो वह जो है 11 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक, ठीक है, यानी कि यहाँ भी जो है 3 दिन का समय दिया गया, ठीक है, 3 दिन का समय दिया गया। इस डेट में आपका सेकेंड राउंड जो काउंसलिंग होगा, ठीक है, यानी कि एडमिशन होगा। उसके बाद क्या होता है जो थोड़ा बहुत जब सीट बच जाता है तो लास्ट में होता है मॉप अप राउंड। उसके बाद बात करते हैं हम पीसी
एम पी सी बी पी सी एम बी यानी कि ज्वाइंट जिनका भी एग्रीकल्चर नहीं है उनके लिए बात करते हैं, उनका भी जो है सीट मैट्रिक जो है वो 17 से वेबसाइट पर आ जाएगा किस किस कॉलेज में कितना सीट है, ठीक है। चॉइस फिलिंग जो 18 से लेकर 22 तक चलेगा, इसी में आप लोग अपने उसको चॉइस फिलिंग को एडिट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 26 तारीख को, ठीक है, 26/10/2024 को जो है आपको कौन सा कॉलेज बीसीसी बोर्ड के द्वारा अलॉट हुआ वो आप लोग को अपने अकाउंट पर पता चल जाएगा, ठीक है। ईमेल आईडी और पासवर्ड देकर जब आप लॉगिन कीजिएगा तो वहाँ पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि आप लोग अपना डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर राउंड वन, ठीक है, जो आपका सीट अलॉटमेंट ऑर्डर होगा वो आप लोग 26 से लेकर 29 तक डाउनलोड कर सकते हैं और 27 से लेकर 29 तक, यहाँ भी 3 दिन का समय, ठीक है, 27, 28, 29, इस 3 दिन आप लोगों को कॉलेज में फर्स्ट राउंड के लिए एडमिशन के लिए आना, जिनको भी जो है कॉलेज मिल जाएगा उनको, अगर किन्हीं कॉलेज नहीं मिलता है तो उनको जो हुआ सेकेंड राउंड में आना है, ठीक है। तो जो सेकेंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो 5/11 यानी कि 5 नवंबर 2024 को आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग जो है 5 से लेकर 13 नवंबर तक डाउनलोड कर सकते हैं इसको और 11 से लेकर 13 तक, ठीक है, इस डेट को आप लोग को ध्यान रखना है, 11 से लेकर 13 तक जो है वो सेकेंड राउंड का जो है वो जो आप लोग कॉलेज में एडमिशन होगा इस डेट को होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगा, ठीक है, पहले हम लोग इसको बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉलेज में कौन कौन डॉक्यूमेंट का आवश्यकता होता है, ठीक है। इसमें जो बताया गया बीसीसी बोर्ड के द्वारा क्या कि इंटर या समकक्ष, ठीक है, या इंटर या उसके जो समकक्ष होता है उसका जो इक्विवेलेंट होता है उसका मूल प्रवेश पत्र यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड होगा, अंक पत्र होगा और औपबंधिक, औपबंधिक मतलब होगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है, प्रोविजनल, ठीक, औपबंधिक को क्या बोलते हैं प्रोविजनल, ठीक है। जो भी आप लोगों को क्लास 12 का क्लास 12 में जो अगर आप देखेंगे कि उसमें जो है प्रोविजनल डिग्री जो है वो जो नीचे में वो चिपका होता है, ठीक है। उसके बाद है क्योंकि मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा का वही एडमिट कार्ड, क्लास 10 का भी मार्कशीट चाहिए और पीडीसी यानी कि मूल ये औपबंधिक प्रमाण पत्र, इसी को बोलते हैं प्रोविजनल। आगे हम बात करते हैं 2024 में जो आप लोग बीसीसी बोर्ड में जब शामिल हुए जो उसका एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी चाहिए और फोटोग्राफ, ठीक है, और इसमें आप लोग को फोटोग्राफ कम से कम 6+ आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, वही फ़ोटो जो आप लोग बीसीसी बोर्ड की बीसीसी परीक्षा का फॉर्म भरते समय आप लोग दिए होंगे। उसके अलावा जो जाति आवासीय आय, ठीक है, जाति आवासीय आय ये तीनों चाहिए। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, जहाँ से आपने 12 पास किया वहाँ से आप लोगों को करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा वो आप लोग के पास होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट SMQ या DQ कोटा से आता है तो उसका भी वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड का फोटोकॉपी, ठीक है, आधार कार्ड का फोटोकॉपी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब आप लोग BCC का फॉर्म भरे होंगे तो आप लोगों को पार्ट ए और पार्ट बी मिला होगा, ठीक है, जैसे कि जब आप BCC का फॉर्म भरते हैं तो उस समय कुछ फोटोकॉपी मिलता है उसी को बोलते हैं कि हार्ड कॉपी, ठीक है, फोटोकॉपी का मतलब होगा हार्ड कॉपी। तो उसी में जो कोना में साइड में लिखा होगा इधर साइड में लेफ्ट या राइट साइड में पार्ट ए एंड पार्ट बी, तो उसको लेकर आना, कम से कम उसका भी आप लोगों के पास 2 फोटोकॉपी होना चाहिए, ठीक है, 2 से 3 फोटोकॉपी उसका भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग, उसके बाद रैंक कार्ड आपका, ठीक है, उसके बाद जो भी आप लोग चॉइस फिलिंग किए हैं जो उसका चॉइस स्लिप है, ठीक है, वो आप उसका फोटोकॉपी होना चाहिए। उसके बाद जो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर उसका 3 कॉपी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वेरिफिकेशन स्लिप, जब आप लोग कॉलेज में एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा उससे एक दिन पहले जो है BCC की वेबसाइट पर बायोमेट्रिक फॉर्म आता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बता देंगे। इस फॉर्म को लेकर जाना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस फॉर्म को नहीं लेकर जाते, उनको कॉलेज में प्रॉब्लम भी हो जाता है, तो इस फॉर्म को आप लोगों को लेकर जाना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप लोग अपने पास रखना है। इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो इसमें लिखा गया नहीं है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। ये आपको जो कोई भी जो है प्राइवेट जो डॉक्टर के पास भी बन जाएगा, ठीक है, 200-300 रुपये में बन जाता है, या अगर आपके पास कोई भी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहाँ भी आप लोग का बन जाएगा, ठीक है, एक दिन में 2 से 3 घंटा के अंदर बन जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट, ये सर्टिफिकेट आप लोग ज़रूर लेकर आए, क्योंकि सर्टिफिकेट बिना आप लोग का एडमिशन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। साथ ही साथ ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप का भी आपके पास रिपोर्ट होना चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप कौन है, क्या है, ठीक है। इस दोनों को आप लोगों को खास करके ध्यान देना, जो कि इसमें मेंशन नहीं होता है लेकिन कॉलेज में मांगा जाता है। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली में जब हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उस समय जो है
आपको अपने डॉक्यूमेंट को किस फॉर्म में जो है अरेंज करके लाना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने आएगा बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज और भागलपुर का, ठीक है, यहाँ पर जो आपका नेम है, जो आपका कैटेगरी है, ठीक है, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर कॉलेज की तरफ से यहाँ पर आप लोगों को रोल नंबर मिलेगा, ठीक है, आपका डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है, ये सब यहाँ पर यहाँ पर मिलता है, ठीक है। कॉलेज में जब नाम लिखाने आते हैं, एडमिशन लेने आते हैं, तो वहीं पर मिलता है, ठीक है। इसमें क्या करना है आप लोगों को, जो भी यहाँ बताया गया है, ठीक है, आप लोग को अपने डॉक्यूमेंट को इसी सिक्वेंस में यहाँ पर लेकर आना है और इसी सिक्वेंस में आप लोग को यहाँ पर सबमिट करना भी होता है। क्या क्या है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है बीसीसी बोर्ड अप्लीकेशन हार्ड कॉपी, यानी कि जब आप लोग बीसीसी बोर्ड का फॉर्म भरते हैं उसमें कुछ फ़ोटो कॉपी मिलता है, ठीक है, लगभग उसमें 10 से 15 पेज लगभग जो उसमें होता है, तो वो आप लोग के पास होना चाहिए, उसका सबका कम से कम 2 से 3 कॉपी, ठीक, कम से कम तो 2 कॉपी होना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 3 कॉपी है तो वो जो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद है बीसीसी वेरीफिकेशन स्लिप, ठीक है, वेरीफिकेशन स्लिप का मतलब क्या हुआ, क्या कि आपको जो है कौन सा कॉलेज मिला है, ठीक है, वो मतलब कि जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं और जो आपको कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है, वो आप लोग को लेकर आना है। उसके बाद है कि बीसीसी चॉइस स्लिप, वही है कि जो आपने कॉलेज जब आप चूज कर रहे थे तो आपने कौन कौन सा कॉलेज को चूज किया था, बीसीसी रैंक कार्ड आपका रैंक कितना है वो उसको फोटोकॉपी लेकर आना है, सबका 2 से 3 फोटोकॉपी होना चाहिए, बीसीसी का एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी, वो एडमिट कार्ड और उसका फोटोकॉपी भी चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड का फोटोकॉपी चाहिए, सीट अलॉटमेंट ऑर्डर बाय बीसीसी, ठीक है। और यहाँ पर जो बीसीसी वेरिफिकेशन स्लिप था इसको बायोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि बीसीसी जब कॉलेज में जब नाम लिखा था उससे 1 से 2 दिन पहले बीसीसी के पोर्टल पर या जो एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है वहाँ से इसको डाउनलोड करना पड़ता है। क्लास 10 का ये एडमिट कार्ड चाहिए, क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 10 का सर्टिफिकेट में आप लोग जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या जब क्लास 10 जब पास कर जाते हैं तो जब लगभग एक कॉलेज मतलब पास करने के बाद 1.5 से 2 साल के बाद कॉलेज में एक पासिंग सर्टिफिकेट आता है, ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट, अगर आप लोग कॉलेज नहीं लिए तो आप लोग कॉलेज से जाकर ले सकते हैं को पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, कॉलेज में लगभग 1.5 से 2 साल के बाद आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग मिल जाएगा, वो भी यहाँ पर जो है नाम दिखाने के समय आप लोग से मांगा जाएगा। उसके बाद इंटर का एडमिट कार्ड, इंटर का मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, ठीक है, तो सर्टिफिकेट में आप लोग को यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इसको हिंदी में बोलते हैं औपबंधिक प्रमाण पत्र, ठीक है, प्रोविजनल चाहिए, फोटोग्राफ 5 पीस, ठीक है, जो आप लोग बीसीसी फॉर्म भरेंगे जो फोटो देंगे वही सेम फोटो आप लोग यहाँ भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जाति कौन है, तो इसमें आप लोग अगर ईबीसी से आते हैं तो आपका एनसीएल होना चाहिए, ठीक है, एनसीएल होना चाहिए। और उसके बाद कहने के मतलब कि जाति आवासीय आय तीनों आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद सीएलसी, ठीक है, सीएलसी यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, वही यहाँ लिखा हुआ है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मतलब आवासीय प्रमाण पत्र और एनी अदर डॉक्यूमेंट। इसके अलावा आपको आप लोग के पास जो आप लोग का आधार कार्ड का फोटो कॉपी होगा और भी आप जो डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं वो आप लोग इसमें दे सकते हैं, ठीक है। और जब भी आप लोग डॉक्यूमेंट लेकर आना है तो आप लोग इसी सिक्वेंस में लेकर आना ताकि आप लोगों को कॉलेज में एडमिशन में समय नहीं लगे, ठीक है। और जो भी यहाँ पर मेंबर के कमेटी होंगे उनका यहाँ पर साइन होता है क्या कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास है कि नहीं, पूरा कंप्लीट है कि नहीं, वो सब वो चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसको फिर यहाँ पर साइन करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आप लोग के मन में और भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग जो है वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और हम लोग उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग को काउंसलिंग करवाना है तो आप लोग हमसे भी काउंसलिंग करवा सकते हैं, उसका कुछ फीस है, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।